सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे नारी के सम्मान में, दीवान मैदान में, नारी के सम्मान में, दीवान मैदान में, नारी के सम्मान में, दीवान मैदान में, नारी के सम्मान में, दीवान मैदान में। गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारी के सम्मान में, दीवान मनुवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दोषी पुलिस पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अरे अपराधियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अरे निकलो बाहर मकानों से, झगड़ों बेईमानों से। अरे जेल से हम नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। अरे पुलिस सरकार जब जब डरती है, पुलिस आगे करती है। सरकार जब जब डरती है, पुलिस आगे करती है। जेलों में वो दम नहीं जो बाबा साहब के बच्चों को बंद कर सके। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे हम क्या मांगे, अरे हम क्या मांगे, आजादी। अरे हम क्या मांगे, आजादी। आजादी हम लेंगे, रहेंगे आजादी। हम सब लेंगे आजादी। अरे हक हमारा, आजादी। हम लेंगे, रहेंगे आजादी। अरे मनुवाद से, आजादी। अरे संघवाद से, आजादी। अरे मनुवाद से, आजादी। हम लेंगे, रहेंगे आजादी। हम सबको प्यारी, आजादी। अरे संघवाद से, आजादी। अरे आगे से बोलो, आजादी। पीछे से बोलो, आजादी। गैंग से, आजादी। कट्टी गैंग से, आजादी। अरे आरएसएस मुर्दाबाद, अरे आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे चड्डी गैंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मनवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। अरे चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। अरे चारों तरफ ये शोर है, चौकीदार चोर है। अरे चारों तरफ ये शोर है, चौकीदार चोर है। निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये आक्रोश जो है ये इसलिए है क्योंकि मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री 26 अप्रैल को एक घटना हुई थी, 20 तारीख को इसमें FIR करवाई गई, 4 तारीख को एक बहुजन बहन की जो है पीड़ा जो है उसका अपमान जो है सार्वजनिक हुआ।
मन की बात करने वाला, दलितों को मत मारो मुझे मार दो, ये बात कहने वाला प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। देश के शहीदों के नाम पे, देश की पुलिस के नाम पे, देश की आर्मी के नाम पे राजनीति कर देने वाला मोदी आज चुप है। इससे स्पष्ट होता है उसे दलितों की चिंता नहीं है, उसे पिछड़ों की चिंता नहीं है, उसे मुसलमानों की चिंता नहीं है। उसे चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, और वो कुर्सी को बचाने के लिए इस देश के सैनिकों को ये जेल की सलाखें जो है ये हमें नहीं रोक सकती है। मेरे साथ है भाई भाटी जी, रविंदर भाटी जो गुर्जर समाज से हैं, और इनका पूर्ण समर्थन था इस आंदोलन में, ये हमारे साथ हैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के अध्यक्ष हैं। आज मई का 10 मई है, और आज ये मई का महीना क्रांति के लिए जाना जाता है, और 10 मई 1857 को कोतवाल के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन आज बहनों की इज्जत बचाने के लिए, आंखों बचाने के लिए आज मई के महीने में भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी द्वारा जयपुर बंद की घोषणा की गई थी, और आज पूरी तरह हमने जयपुर को बंद किया है, और जयपुर में हर गली कोने से होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और बहन को न्याय दिलाने के लिए हमने पैदल मार्च किया, जयपुर बंद किया। और वहाँ पर मुख्यमंत्री में इतना दम नहीं है अशोक गहलोत जी में कि वो आके युवाओं की आवाज़ सुन सके, बहनों की पुकार को सुन सके, इसलिए उन्होंने सारे युवाओं को, भाई चंद्रशेखर आजाद को भी, पूरी भीम आर्मी टीम को गिरफ्तार कराने का काम किया है। लेकिन मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि भीम आर्मी को आप गिरफ्तार करके आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते, और इस आंदोलन को बड़ा कर सकते हो। हम जब तक दोषी अपराधियों को फांसी की सजा या सख्त कार्रवाई ना हो जाए, या अपराध जो बार बार जिले में, राजस्थान के कोने कोने में रेप की घटना हो रही है, इन पर जब तक अंकुश न लगा दिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा न दी जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम जय भारत। वो जो बहन है उसका जो अपमान होना था वो तो हो गया, उसका सम्मान तो उसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन हमें चाहते हैं भविष्य में किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, किसी बहन को भी ये अपमान ना झेलना पड़े, इसलिए हमने बंद बुलाया था। ये एक सफल बंद था, बंद गया, और मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामना कर सके न्याय का, वो न्याय दे सके, तो उन्होंने युवाओं की गिरफ्तारी करवा दी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जान लें कि हमने तय किया है कि आप किसी बहन के साथ पूरे देश में, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी माता के साथ ऐसा दोबारा ना होने पाए, इसलिए हम इस आवाज़ को बुलंद कर रही है। क्रांति की आवाज़ है, इसको जितना दबाया जाएगा ये उतनी मजबूत होगी। मैं जो लोग घर पड़े हैं, सो रहे हैं, जिनका जमीर मर गया, उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप जाग रहे हैं, जिंदा हैं, आप लाश नहीं हैं, तो अन्याय मत सहिएगा, अन्याय को सहना भी गुलामी है। अगर आप गुलाम हैं तो आप अन्याय सह सकते हैं, आपको अन्याय नहीं सहना है। अगर आप जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए, गलत का विरोध कीजिए। ये तानाशाही है, ये चल रही है, हम इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया हमारी ताकत है, हम इस ताकत को यूज करना जानते हैं, इसलिए हम लोग लाइव आ रहे हैं, बार बार अपने साथ हो रहे हैं। हमारे साथ पुलिस के साथी भी हैं। मैं भाई से पूछना चाहता हूं, क्या न्याय मांगना गलत है? लेकिन सरकार के दबाव में भाई जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन इनके अंदर भी पीड़ा है, क्योंकि ये भी भाई हैं, इनके घर में भी बहन है, इनको भी दबाव में बोलना नहीं चाहता, और किसी से अन्याय सहन नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक ताऊजी भी बैठे हुए हैं जो प्रशासन से है, वो ताऊजी भी हमारी पीड़ा समझ रहे होंगे, क्योंकि वो भी बहु बेटे वाले हैं, वो भी सामाजिक है, वो भी चीजों को समझते हैं। ऐसे अपराध आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे अपराध क्या आप ऐसे अपराधों का समर्थन करते हैं? देखिए, ये नौकरी की मजबूरी है, वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये मूंछ उनकी बता रही है कि वो भी सम्मान से जीना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बहनों बेटों को सम्मान मिले। तो ये लड़ाई जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, सम्मान की लड़ाई है। हम किसी को परेशान करने की नीयत से हमने ये बंद नहीं बुलाया था, हमने ये बंद बुलाया था अधिकार मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। और भारत में, भारत के संविधान के अंदर
न्याय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे, इससे हमें कोई छीन नहीं सकता है। ये संविधान में हमें मिला है, हम संविधान के तरीके से काम करते हैं, वरना हम ऐसे अपराधियों को खुद भी सजा दे सकते थे, मगर हम संविधान को मानते, तो इसलिए हम लोगों ने जन आंदोलन किया। बड़ी धूप में लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर में युवा जो हैं जमीन पे तपती सड़क पे बैठे हुए थे, उनके अंदर एक पीड़ थी, एक जुनून था, उनको ये उनको न्याय चाहिए। ऐसा ऐसे ऐसे नौजवानों को, जो राजस्थान के नौजवान हैं, पूरे देश से जो नौजवान यहाँ पहुँचे, मैं उनको क्रांतिकारी नीला सलाम कहता करता हूँ। मेरे साथ रोशन मनोटिया हैं, जो इस आंदोलन को धार देने के लिए परसों से पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। मेरे साथ राजेश भाई हैं, मेरे छोटे भाई, जो पूरी मजबूती से आंदोलन के लिए धार देने में लगे हुए हैं। रविंद्र भाटी भाई हैं, जो यूपी से चल के आंदोलन को मजबूत करने आए हैं। मेरे साथ पंकज जाटव हैं, जो इस आंदोलन को धार देने के लिए बहुत दूर से आए हैं। फौजी भाई हैं, जो सुरक्षा भी कर रहे हैं और प्रशासन से लोहा भी ले रहे हैं। इधर दीपक भाई भी हैं। इस तरह से सब लोग जो हैं इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। आप देखिए, अनिल धेनवाल हैं यहाँ हमारे पास, कल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस से डरना नहीं, पुलिस के सामने होते नहीं तोड़े, लड़ना पसंद किया। मैं ऐसे साथियों को नीला सलाम करता हूँ। सत्यवान छोटा भाई हमारे साथ है, जिन लोगों ने इस आंदोलन को धार दी। गिगराज है, अतुल है, अतुल मीणा मेरा भाई, बहुत सारे लोग हैं जो न्याय की लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को सलाम करता हूँ, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। हम सबका उद्देश्य सिर्फ न्याय मांगना है। कौन आया है? कौन आया? डाउट हो गया था। सुखविंदर भी हमारे साथ है। कांग्रेस सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। बहुजनों के लिए तो कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों ही सरकारें हमारे लिए तो ऐसी हैं। और जिस तरह से पुलिस ने, देखिए, घड़िया भी तोड़ दिया लाठी मार मार के, ठीक है, पैरों पे भी जो है खूब लाठियां मारी गई है, तो ये हमारे हौसले इनसे कम नहीं होंगे, हम इससे और मजबूत होंगे और संघर्ष के प्रति और जो है मजबूत होने लड़ाई लड़ेंगे। सब ऊपर ही बैठे रहो, सभी घोषणा, सभी घोषणा। अभी पुलिस द्वारा कहीं पर गाड़ी लाकर रोकी गई है, आप देख सकते हैं। ये सरकार किसी थाने में था, ये देखियो साथियों, बस्सी थाना में एडवोकेट चंद्रशेखर जी को लाया गया है। ये देखिए साथियों, बहुत दिन हो गए जो ऐसी चीजें मुर्दाबाद मुर्दाबाद सम्मान में।
मैदान में, ये देखिए साथियों नारी के सम्मान में, मैदान में नारी के सम्मान में, हम युवा मैदान में नारी के सम्मान में, हम युवा मैदान में नारी के सम्मान में, हम युवा मैदान में। अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या करें थाने के अंदर? थाने में नारे नहीं लगे। और क्या करें थाने? आप जांच भी करेंगे, नारे भी ना लगा। पिछ पिछ उधर टाइप चलो। क्या करें? हम यहाँ घूमने आए, पिकनिक हम बैठ शेखर भाई तुम संघर्ष करो। सर हमें लग रहा है हम सवाल करेंगे, हम आपके साथ हैं। हाँ बस ठीक है, अगर आप सच्चा में ये बात आपने सर जयपुर की सेंट्रल जेल के कम पड़ गई, जो हमें यहाँ बस्सी थाने लाया गया सर। जयपुर की सेंट्रल जेल के कम पड़ गई। जयपुर नहीं, राजस्थान किसी जेल चले जाए, सवाल ये नहीं, सवाल ये है आप अपनी जिम्मेदारी निर्वाह नहीं कर रहे। इसलिए 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 उदयपुर भट्टी कौन जगह है वो? उदयपुर उदयपुर जिनमें नौ रेप हो गए और जिनमें पांच पोस्ट पे है ना। यह पूरी सरकार की तानाशाही है, यह तानाशाही है। ऐसी कोई जेल नहीं जहाँ ही हमें डाल सके और ये जेलें कम पड़ जाएगी। हम क्रांतिकारी के अंदर बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, बैठ लो, बैठ लो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठो यार, बैठो। अरे बहुत बढ़िया, ये अपना भारत देश है, भारत देश की धरती है, बैठो यहाँ पे, बैठो। ये नारा है, ये बुलंद रहेगा। जेल हो चाहे थाना हो चाहे कुछ भी हो, दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। बस ये बहनों के सम्मान का मामला, और हमने दोबारा राजस्थान में पूरे देश में किसी बहन के साथ घटना दो आपकी बारी है जो तो ये मांग हमारी जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। अपराधियों का संरक्षण करना बंद करें, न्याय की बात पुलिस जो है सभी न्याय करे, जिसके लिए वो बैठे इन संवैधानिक कुर्सियों पे भारत के संविधान के वजह से बैठे हुए हैं, लेकिन वो सरकार की एजेंटगिरी करते हैं, ये गलत है। ऐसा न्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। आप लोगों को आपको चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उनकी जो जिम्मेदारी बैठती है कि आम आदमी को न्याय दे, जिसकी वजह से इंकलाब जिंदाबाद। सर आराम, ये तो गेम काटने वाले हैं भाई, ना आराम की जरूरत नहीं है। बहन को न्याय मिल जाएगा, आराम करेंगे। यहां के राजनेता यहां का प्रशासन करता है। अरे सर खून थोड़ा धीरे धीरे गर्म ठंडा होगा, ऐसे थोड़ा इसको समझो, आप भी थोड़ा समझो। अच्छा आप आपको तो चाहिए कि